हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़ तो आ गया है पार्ट टेन एमसीक्यू फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन ये वही क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं चाहे वो नौसेट का एग्ज़ाम हो चाहे वो ई का एग्ज़ाम हो चाहे वो अदर स्टेट्स का नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नया है और कोई ट्रिक आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि वो दोबारा से आप रिवाइज़ कर पाएँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड उस लोगों को बच्चे को ज़रूर शेयर करिए जो कि गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा है ताकि वो भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आ फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कुरेक्ट द फोर लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस फ्रॉम आउटर टू इनर इनमें से कुरेक्ट फोर लेयर्स एपिडर्मिस की आउटर टू इनर कौन सी हैं तो देखिए जो स्किन की लेयर्स है ना वो कैसे होती हैं? पहले आती है हमारे पास डर्मिस फिर आती है सॉरी पहले आती है एपिडर्मिस, एपी मतलब ऊपर देन आती है डर्मिस देन आती है सबक्यूटेनियस ठीक है ये तीन स्किन की स्किन की लेयर होती हैं और हम अभी फ़िलहाल कौन सी कर रहे हैं एपीडोमिस एपिडामिस की ये लेयर होती है डर्मिस का क्या हिसाब किताब होता है इसकी खुद की ब्लड सप्लाई होती है ठीक है और ये दो लेयर से बनती है दैट इज पी आर उसको भी हम या, कैसे याद सक, कर सकते हैं पी आर पैपिलरी एंड रेडिकुलस ठीक है और सबक्यूटेनिक टिश्यूज़ ये डीपर लेयर होती है और थिक लेयर होती है ठीक है तो एपिडर्मिस की आउटर टू इनर वाला हमें बताना है कैसे तो हमारे पास ऑप्शन देखिए चार ऑप्शन है ये स्ट्रैटम लुसिडम स्टैटम कॉर्नियम स्टैटम जर्मिनेटम स्टैटम ग्रैनोलोजम स्टैटम कॉर्नियम स्टैटम लुसिडम स्ट्रैटम ग्रैनुलोजम स्टैटम जर्मिनेटम स्टैटम ग्रैनोलम स्ट्रैटम लुसिडम स्ट्रैटम कॉर्नियम स्टैटम जर्मिनेटम स्टैटम जर्मिनेटम स्ट्रैटम कॉर्नियम स्ट्रैटम लूसिडम स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम तो कौन सा करेक्ट है फोर लेयर्स जो कि करेक्ट है तो सेकंड ऑप्शन इज बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट ठीक है स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है वो आउटर लेयर है उसके बाद आती है स्ट्रैटम लूसिडम उसके बाद आती है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम उसके बाद आती है स्ट्रैटम जर्मिनेटम इसको तुम कैसे याद कर सकते हो हम लिख सकते हैं कॉलेज जी ठीक है C सी से क्या आ जाएगा हमारा कॉर्नियम एल सी क्या आ जाएगा लूसीडम जी से क्या आ जाएगा ग्रैनुलोसम अब दो जी आ रहे हैं ना तो जो जर्मिनेटिव नेटम है तो क्या कैसे तुम इसे याद करो इसमें आ रहा है जम जम का होते हैं एकदम यहाँ हमारे फ्लोर पे होते हैं ना जमीन पे होते हैं तो जोमिनेट जमीन, जमीन मतलब नीचे तो सबसे नीचे कौन सी आती है जर्म वाली जो जर्म्स होंगे वो नीचे होंगे जर्मी नेटम जो होगी वो एंड वाली लेयर होगी ठीक है और कॉलेज हम आगे वाला याद रखेंगे दैट इज कॉर्निन कॉर्नियम लूसिडम एंड ग्रैनोलॉसम और स्ट्रैटम तो सबके आगे लगेगा ये है चार लेयर्स ऑफ एपीडर्मस इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो कौन सी ट्रिक है कॉलेज जी जिसको हम बोलते हैं जर्म जर्मी नेटम ग्लैनोरोजम लूसीडम एंड कॉर्नियम तो ऑप्शन टू इज बिल्कुल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ स्किन एंड हेयर इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल ऑप्शन है मेलनाइन केरेटाइन सीबम या फिर ऑल ऑफ अबव जो हमारे स्किन का कॉम्प्लेक्शन है और हेयर किसी के ब्लैक होते हैं ब्राउन होते हैं किसी के ग्रेइश होते हैं तो वो किसके वजह से होते हैं तो वो होते हैं मिलानिन की वजह से मिलानिन एक पिगमेंट है ठीक है ये एक पिगमेंट होता है जो कि कौन प्रोड्यूस करता है मिलानो साइट मिलानो साइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं एक पिगमेंट ठीक है जिसको हम बोलते हैं मिलानिन जो कि हमारे कलर ऑफ स्किन एंड हेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम तो याद रखना ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है नेक्स्ट है, है इन विच कंडीशन ऑफ पेडिकुलॉसिस इन्फेक्सटेशन ऑफ अ बॉडी बाय द लाउस ठीक है इनमें से कौन सी पेडिकुलॉसिस की स्टेज में कंडीशन में जो लाउसेज हैं वो हमारी बॉडी में इन्फेस्टेशन करती हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कैपिटस पेडिकोलॉस कॉर्पोरोसिस पेडिकोलॉसिस प्यूबिस या फिर ऑल ऑफ अबव तो जो हमारी बॉडी पे लाउस होती है वो कौन सी कंडीशन में होती है पेडिकोलॉसिस कॉर्पोरोसिस देखो मैं इसको भी एक ट्रिक से आपको याद कराती हूँ जो पेडिकलॉसिस होता है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ लाइस हमारी हेयर्स में जुएं पड़ जाती हैं जो ठीक है इनकी क्या स्टेजेस होती हैं इनकी तीन तीन तरह की लाउसेज होती हैं एक होती है पेडिक्लॉसिस कैपिटस कैपिटस एक होती है कॉरपोरिस और एक होती है ये जो हमारी पड़ी हमने प्यूबिस ठीक है देखो प्यूबिस का तो पता है जो हमारे प्यूबी के एरिया पर हेयर होते हैं वहाँ पे तुम्हें लाउसेस uh, दिखेंगी और वहाँ पे क्या होता है तुम्हें ब्राउन कलर का पाउडर दिखता है ठीक है अगर किसी के प्यूबी के एरिया में लाउसेस है तो वहाँ पे जब तुम ऐसे थोड़ा सा हाथ लगाओगे तो तुम्हें ब्राउन कलर का पाउडर सा अपने हाथ में आएगा ठीक है इसको बोलते हैं पेडिक्लॉसिस प्यूबिस अगर यहाँ पे आए इन्फेस्टेशन ऑफ अ प्यूबिस बाय द लाउस तो वो होगी पेडिक्लासिस प्यूबिस कैप्टिस एंड कॉर्पोरिस में बहुत कन्फ्यूजन होता है इसको तुम कैसे याद कर सकते हो देखो कैप कैप का होती है हमारे हेड पे तो इन्फेस्टेशन ऑफ हेड बाय द लाउस अगर हेड में लाइसिस हैं तो उसको बोल देंगे पेडिक्लॉसिस कैपिटिस और अगर कॉर्पोरोसिस कॉर्पोरोसिस मतलब कार बोल सकते हैं इसको ठीक है कार में हम क्या बैठते हैं बॉडी तो बॉडी में इन्फेस्टेशन ऑफ लाउसिस को हम क्या बोल देंगे पेडिकलोसिस कार्पोरोसिस ये पीजीआई और एम्स में क्वेश्चन आ चुका है दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो कि पेडिकुलोसिस की तीन कंडीशन होती हैं कैपिटस ठीक है कैपिटस मतलब कैप का है हेड हमारी हेड में डलती है तो हेड में लाइसिस आ गई कारपोरोसिस मतलब बॉडी में लाइसिस आ गई कारपोरोसिस मतलब इसको मैं कार की तरह ले रही हूँ कार में बैठती हूँ बॉडी तो बॉडी लाइसिस आ गई प्यूबिक का तो पता ही है प्यूबिक एरिया में लाइसिस प्रेजेंट है ठीक है इन्फेस्टेशन ऑफ अ बॉडी वाइ दो लाइसिस कॉल्ड पेडिकुलोसिस कार कॉरपोरोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं च टाइप ऑफ बर्न इज पेनलेस कौन से टाइप का बर्न जो होता है वह पेनलेस होता है तो ऑप्शन है थर्ड डिग्री बर्न फर्स्ट डिग्री बर्न सेकेंड डिग्री बर्न एंड नन ऑफ दीज तो थर्ड डिग्री बर्न जो होता है वो पेनलेस होता है फर्स्ट डिग्री बर्न सेकेंड डिग्री बर्न थर्ड डिग्री बर्न एंड फोर्थ डिग्री बर्न फोर डिग्रीज के बर्न होते हैं फर्स्ट वाले में क्या होता है सनबर्न हो गया जैसे उसको बोलते हैं हम सुपरफिशियल बर्न जिसमें सिर्फ हमारी एपिडर्मिस ही डैमेज होती है सेकेंड में क्या होता है ब्लिस्टर्स बन जाते हैं एंड क्या होती है पेन होता है बहुत ज़्यादा ठीक है और क्या होती है पेन और इसमें हमारी डर्विस डर्मिस लेयर है वो भी इन्वॉल्व होती है थर्ड डिग्री में क्या होता है हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये कौन सी कंडीशन होती है पेनलेस इसमें पेशेंट कहेगा कि मुझे पेन कम हो रही है और फोर्थ डिग्री बर्न में हमें क्या दिखती हैं बोन्स दिखने लग जाती हैं और ये बहुत डीपली बर्न होता है सबके टेनिस टिश्यू के नीचे बोन दिखने लग जाती है हमें ठीक है ब्लड वेसल्स भी आ जाती हैं इसमें तो पेनलेस कौन सा बर्न हुआ हमारा थर्ड डिग्री बर्न ठीक है इसको ऐसे याद कर सकते हो फर्स्ट डिग्री हमारा हुआ सन बर्न डिग्री में ब्लिस्टर्स पर प्लस पेन होती है और हमारी एपिडर्मिस लेयर और डर्मिस लेयर दोनों इन्वॉल्व होती है थर्ड में डर्मिस भी इन्वॉल्व है एपिडर्मिस भी जल गई सबकुटेनिस भी आ गई और वो पेनलेस बर्न होता है फोर्थ में हमारी बोन्स दिखने लग जाती हैं और सारी लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती है तो दिस इज द फोर डिग्री बर्न्स और इसमें से पूछा था कौन सा पेनलेस है तो थर्ड डिग्री बर्न जो होता है वो पेनलेस होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड विथ फॉरन बॉडी इंस्पिरेशन आएगा ये एक चाइल्ड है उसकी फॉरन बॉडी चली गई है इंस्पायर इंस्पिरेशन हो गई है इज़ द फर्स्ट इंटरवेंशन नर्स रिमूव विद फिंगर या फिर वो रिमूव कर देगी फिंगर से या फिर डॉक्टर को कॉल करेगी या फिर स्टेबलाइज करेगी चाइल्ड को क्या वो सक्शन करना स्टार्ट कर देगी क्या करेगी वो पहले हमें बच्चे को हमेशा क्या करना है स्टेबलाइज करना है देखो ऑलवेज़ डू स्टेबलाइज क्योंकि देखो अगर हम वो हिलेगा डूलेगा तो वो क्या करेगा रोएगा पहली बात तो और उसे डिस्कम्फर्ट होगा तो वो स्वेलो करने की कोशिश करेगा ठीक है तो उससे क्या हो सकता है उसको एस्पिरेशन भी हो सकता है ठीक है तो फिंगर तो डालने नहीं, नहीं फिंगर से क्या होगा वो और नीचे चले जाएगा कॉल द डॉक्टर पहले स्टेबलाइज करो फिर कॉल द डॉक्टर करो क्योंकि अगर तुम डॉक्टर को कॉल करने चल गए और बच्चे ने वहाँ तूफान मचा दिया तो वो तो निगल जाएगा और उसको एस्पिरेशन भी हो जाएगा सक्शन बिना डॉक्टर के ऑर्डर के हम नहीं करेंगे तो हमेशा स्टेबलाइज द चाइल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर ऑप्टेनिंग ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोई भी प्रोसीजर करने जा रहा है पेशेंट पे, उससे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिजिशियन की होती है हेड नर्स की होती है नर्स की होती है नर्सिंग असिस्टेंट की होती है किसकी होती है तो ऑलवेज बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिजिशियन की होती है नर्स की नहीं होती है ऑलवेज फिजिशियन को एक्सप्लेन करना होता है प्रोसीजर एंड उनसे इन्फॉर्म कंसेंट लेना होता है वो तो ये होता है कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बोल देते हैं कि इनसे इन्फॉर्म कंसेंट ले लो बट इज इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिशियन बाई चांस अगर पेशेंट बाद में बोलता है कि मेरे साथ ये प्रोसीजर हुआ है विदाउट मेरी इंफॉमेशन के तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाएगी फिजिशियन पे क्योंकि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फिजिशियन टू टेक अ कंसेंट बिफोर एनी प्रोसीजर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इन द पोस्ट बर्न पेशेंट वट इज सीन मोस्टली एक पोस्ट बर्न पेशेंट है तो उसमें क्या दिखेगा बर्न मतलब आता है तो उसको उसमें क्या दिखेगा हाइपोकलीमिया हाइपरकलीमिया क्लीमिया ऑल ऑफ दीज तो उसमें क्या दिखेगा हाइपरकलीमिया अब देखो क्यों दिखेगा बर्न हुआ पेशेंट के बहुत सारा फ्यूड लॉस हुआ और ब्लड लॉस भी होगा ओब्वियसली तो क्या होंगे सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रेक्शन होगी सेल्स की अगर सेल्स की डिस्ट्रक्शन हुई तो सेल के अंदर क्या होता है पोटाशियम बाहर क्या होता है सोडियम तो सारा पोटाशियम क्या आएगा बाहर और पोटाशियम बाहर आता रहेगा आता रहेगा जिसकी वजह से उसे हाइपर कैलीमिया दिखेगा और टिश्यू भी जब भी हमारा टिश्यू टूटता है तो वहाँ से भी पोटाशियम आइंट जो हैं वो रिलीज होते हैं तो क्या उसमें दिखेगा हाइपर कैलीमिया क्योंकि सेल्स की डिस्ट्रक्शन होगी ठीक है सेल्स के अंदर इंट्रा होता है पोटाशियम एक्स्ट्रा होता है सोडियम तो ऑब्वियसली जब सेल टूटेगा तो ज़्यादा सेल टूटेंगे तो पोटाशियम ऑलरेडी बॉडी के अंदर है और सेल से भी बाहर निकल के आ गया तो उससे क्या हो जाएगा हाइपर कैलीमिया नेक्स्ट करते हैं स्मॉल रेस्ड बोरोज लाइन्स आर सीन इन विच कंडीशन अमंग फॉलोइंग एक स्मॉल रेज बोरो लाइन्स ऐसे ऐसे करके स्किन के ऊपर जो होती हैं वो किस कंडीशन में दिखती हैं स्कैबीज में एक्नेवलगैरिस में सॉरी ऑसिस में प्रोराइटिस में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसमें दिखती हैं स्कैबीज में जो है स्मॉल रेज बोरोइन दिखती हैं ठीक है अब स्कैबीज होता क्या है स्कैबिज किनसी होती है सार्को सार्कोपिटीज स्केबाइज से ये माइट होती है इससे ये इन्फेक्शन होता है ठीक है ये मोस्टली उन लोगों को होता है जो कि अन होते हैं ठीक है अन होते हैं दूसरा क्या होते हैं वो सेक्शुअली एक्टिव होते हैं ठीक है उन लोगों को हो, होगा जो कि सेक्शुअली एक्टिव होके भी अपने हाइजीन को मेनटेन नहीं रखते और अनहाइजीनिक होती है और सार्कोपिटिक स्कैबी से ये होती है ठीक है और इसमें ऐसी स्मॉल रेज ब्यूरोलाइंस दिखती हैं और एक्वल गैरिज तो आजकल हर जब भी बच्चा प्योवर्टी हिट करता है तो उसको होता ही है ठीक है हेयर फॉलिकल्स की दिक्कत की वजह से सॉरियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्या है क्रॉनिक नॉन इन्फेक्शियस स्किन इन्फ्लामेशन होती है सॉरियोसिस ठीक है ये स्किन इन्फ्लामेशन है नॉन इन्फेक्शियस स्किन इन्फ्लामेशन ठीक है इसमें क्या होता है इसमें तो दिखती है स्मॉल रेज ब्यूरो लाइन्स और सोरियोसिस में क्या दिखती हैं सिल्वरी स्केल लिजन्स इसमें सिल्वरी स्केल लिजन्स देखने को मिलेंगे आपको सिल्वर कलर के ना स्केल जैसे लिजन्स दिख लंबे लंबे ठीक है कौन से एरिया पे एल्बो पे नी पे स्कैल्प पे ठीक है तो ये सोरियासिज या आपको ये भी लिखा सकते हैं कि सिल्वरी स्केल किस में दिखते हैं वो सोरियाज में दिखते हैं और स्कैबीज में स्मॉल रेस्ड ब्योर दिखता है और सार्कोपिटिस स्कैबाई से स्कैबीज होती है नेक्स्ट पे चलते हैं वट इज़ अ डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस अगेन अ पैथोजन इज नोन एज कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आता है उसका डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं इम्यूनिटी रिस्क फैक्टर बोलते हैं या फिर उसे हेल्थ बोलते हैं या फिर क्योर बोलते हैं तो ये तो बहुत ही क्लियर है इम्यूनिटी हमारी बॉडी ऑलवेज एक इम्यूनिटी शो करती है टूवर्ड्स अ पैथोजन उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अ पेशेंट विद यूरिनरी अर्जेंसी ऑल्सो हैव प्रॉब्लम विद स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग यूरिनरी स्ट्रीम द अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन फॉर दिस इज एक पेशेंट है उसको यूरिन की अर्जेंसी भी होती है और उसको ये भी प्रॉब्लम है कि वो उसको वॉशरूम स्टार्ट भी नहीं होता और स्टॉप भी नहीं होता ठीक है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होगी तो हमारे पास ऑप्शन है हम पोर करेंगे हॉट वाटर ओवर द प्रीमियम एरिया प्रीमियम एरिया के ऊपर हम पानी हॉट वाटर डालेंगे या फिर हम उसके प्लेस कर देंगे क्वॉन्डम कैथेटर या फिर टीच हिम सेल्फ इंटरमीडिएट कैथराइजेशन उसको टीच करेंगी कि इंटरमीडिएट कैथराइजेशन कैसे करते हैं या फिर उसको कहेंगे कि इनिशिएट कर कीगल एक्सरसाइजेस तो क्या हम उसको बोलेंगे कि कीगल एक्सरसाइजेस करो क्योंकि ये पैल्विक फ्लोर मसल को क्या करती हैं स्ट्रेंथन करती हैं ठीक है किसी को भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है जैसे कि, कि अभी अभी हमें स्ट्रेस हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा वॉशरूम आता है ठीक है या फिर अर्जेंसी इनकॉन्टीनेंंस होता है कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं एकदम से वॉशरूम आ रहा है तो कीगल एक्सरसाइज अगर करते हैं तो हमारी पैल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं स्टॉप एंड स्टार्टिंग ऑफ यूरिनेशन उसको होल्ड करने में तो कीगल एक्सरसाइज उसे हम बताएंगे आप ऐसे करना कि ऐसे करती हो मैं एक फ़ोटो डाल दूंगी कीगल एक्सरसाइज की एक वीडियो ठीक है वो भी देख सकते हो या फिर आप गूगल करके कीगल एक्सरसाइज के बारे में देख भी सकते हो हम इसे एकदम सिटिंग uh, पोजीशन में बैठ के करते हैं इससे क्या होता है पैल्विक मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट असेंशियल फॉर प्रोफेशनल नर्स इसमें से क्या चीज़ असेंशियल नहीं है एक प्रोफेशनल नर्स के लिए ह्यूमन डिग्निटी डिपेंडेंसी सोशल जस्टिस या फिर इंटीग्रिटी तो डिपेंडेंसी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोफेशनल नर्स और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह, रहना चाहिए बिकॉज ऑलवेज़ याद रखना कि एक नर्स हमेशा एक पेशेंट की लाइफ के साथ लाइफ को ट्रीट कर रही है क्योंकि हमारे हाथ में एक बंदे की लाइफ होती है अगर कोई छोटा फ़ीवर वाला इंसान भी आता है ना थोड़ा बहुत फ़ीवर वाला उसको भी हम ट्रीट नहीं करेंगे ना तो उसकी भी कंडीशन जो है क्रिटिकल हो जाएगी तो ऑलवेज़ डिपेंडेंस नहीं रहना अपना काम करना है दूसरे को नहीं बताना डिपेंडेंसी जो है इंसेंशियल वैल्यू नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे शाप आना था एक मिनट शाप एस एच ए आर शार्प इंस्ट्रूमेंट्स यू शुड नॉट बी स्टोराइज स्टोराइज बाय जो हमारे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हॉस्पिटल में यूज होते हैं उसको किस चीज़ से स्टोराइज नहीं करना चाहिए तो ऑप्शन है हमारे पास कूलिंग बॉइलिंग हॉट हॉट एयर ओवन या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन तो कभी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को हम बॉयल नहीं करते क्योंकि बॉयलिंग से क्या होता है कि जो उनकी शार्पनेस है वो कम हो जाती है ठीक है तो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी स्टराइल नहीं होते विद द बॉइलिंग वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज़ यूज वैन अ पेशेंट इज़ आज टू वीअर मास्क अगर किसी पेशेंट को हमने बोला है कि तू मास्क लगा तो कौन सा आइसोलेशन प्रिकॉशन यूज हो रहा है पहला है ब्लड सेफ्टी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन या फिर स्टैंडर्ड्स उसको कहा हमने मास्क लगा ऑब्वियसली तो किस चीज के लिए मास्क लगता है हमेशा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के लिए ठीक है अगर किसी की ड्रॉपलेट्स कहाँ से जा सकते हैं या फिर नोज से या फिर हमारे माउथ से तो अगर हमने किसी को बोला है कि वी अ मास्क देन टू प्रिवेंट अ ड्रॉपलेट क्रॉस कंटेमिनेशन इन्फेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल इक्वायर्ड इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है हॉस्पिटल इन इक्वायर्ड इन्फेक्शन की सर्जिकल <coughs> साइट होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है यूरिनरी ट्रैक होता है या फिर आइज़ होती हैं तो मैंने ये कल भी कराया था कि यू टी आई मोस्टली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है यू टी आई नंबर वन पे आता है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है यूरिनरी ट्रैक कैथराइजेशन कोई और वॉशरूम यूज़ करना ठीक है बिकॉज ऑलरेडी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन वाले पेशेंट होते हैं वही पेशेंट वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं वही उनके आने जाने वाले साथ वाले लोग यूज़ कर रहे हैं ठीक है और कैथराइजेशन तो इससे यूरिनरी ट्रैक जो है मोस्ट कॉमन इंफेक्शन होता है जो कि हॉस्पिटल में होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज असाइन टू अ पेशेंट बैक्टीरियल निमोनिया एंड इज अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल शी व्यर टू डिलीवर द ट्रे तो आज के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ये है पर्सनल इक्विपमेंट वाले क्वेश्चन तो आप सभी देखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कोविड की वजह से ये क्वेश्चन में आने का बहुत ज़्यादा चांसेज हो गए हैं बिकॉज अभी भी चल रहा है हल्का फुल्का इवन दाओ उसकी एमरजेंसी हटा दी गई है बट तब भी ठीक है तो ये क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट है तो एक पेशेंट एक नर्स को एक पेशेंट असाइन हुआ है जो कि है बैक्टीरियल नमोनिया का ठीक है और वो अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस पे है तो विच पर्सन प्रो पी पी ई पी पी ई कौन सा डालेगी जो नर्स है उसको मील ट्रे देते जाते टाइम तो वो क्या डालेगी कुछ भी नहीं डालेगी नो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या फिर ओनली मास्क डालेगी या फिर स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड ग्लव्स डालेगी या फिर गाउन मास्क ग्लव शू कवर सब डालेगी तो ओनली मास्क इज नीडेड क्योंकि वो ड्रॉपलेट क्वेश्चन में ही देखो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है वो क्या है ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस पे है तो ड्रॉपलेट से कौन बचाएगा ओनली हमारा मास्क ठीक है क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है ठीक है तो ओनली मास्क इज नीडेड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एम्स का फेवरेट क्वेश्चन द अम्बलाइकल कॉड कंटेन्स जो अम्ब्लाइक कॉड होती है प्लेसेंटा के साथ और फीटस प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन कराने वाली है उसमें क्या होता है टू आर्टरीज वन वेन होती है वन आर्टरी टू वेन्स होती है या फिर टू आर्टरीज टू वेन होती है फिर वन आर्टरी वन वेन होती है तो उसमें होती है टू आर्टरी वन बे जिसको हम बोलते हैं टू ए वन वी ठीक है टू ए वन वी नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर यूजिंग थर्मामीटर इन विच डायरेक्शन इट शुड बी क्लीन जब भी हम किसी बंदे का टेम्परेचर चेक करते हैं तो थर्मामीटर किस डायरेक्शन में चेक करते हैं पहले तो हम थर्मामीटर बना लेते हैं ताकि इजीली हो जाए ये उसके आगे वाला बल्ब और ये उसकी हो गई स्टैम्प तो बल्ब से स्टेम की ओर जाएंगे या फिर स्टेम से बल्ब की ओर आएंगे या फिर इन एनी डिरेक्शन भी कर देंगे या फिर नन ऑफ दीज किस से किस साइड करेंगे बताओ तो आफ्टर आफ्टर यूजिंग इट हम ऑलवेज किस साइड करेंगे स्टेम टू बल्ब की और, और इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं लेस कंटेमिनेटेड टू द मोर कंटेमिनेटेड एरिया देखो वो उसके माउथ के अंदर गया था ठीक है तो ये मोर कंटेमिनेटेड हुआ तो हम ऑलवेज लेस टू मोर जाएंगे ठीक है वहीं अगर यहाँ पे होता बिफोर यहाँ पे होता बिफोर तो बिफोर मतलब अभी वो बाहर ही था तो इस ये तो कवर होगा इसको हम हैंड से उठा के देंगे स्टेम को स्टेम को हम से उठा के देंगे तो ऑलवेज किस चीज से क्लीन करना इसको, from, from stem, है इसको फ्रॉम फ्रॉम बल्ब टू स्टेम ठीक है ऑलवेज गो फॉर लेस टू मोर कंटेमिनेटेड एरिया ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अ पेशेंट हैज अंडरगोन स्पाइनल सर्जरी पेशेंट गया स्पाइनल सर्जरी के अंडरगोन अभी अभी विच ऑफ़ द फॉलिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट कौन सी इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट होगी इस क्लाइंट के लिए फर्स्ट है असेस करेंगे क्लाइंट की फीट पे कि उसको सेंसेशन और सर्कुलेशन हो रही है टच करके देखेंगे इंकरेज क्लाइंट टू ड्रिंक फ्लूइड उसको कहेंगे ज़्यादा पानी पी लॉग रॉल द क्लाइंट फॉर पोजिशनिंग रॉगुलर क्या होता है जब भी कोई रोड साइड एक्सीडेंट होता है तो हम पेशेंट को रोलिंग मेथड से शिफ्ट करते हैं मतलब कि हमें नहीं पता अगर उसकी स्पाइनल इंजरी है और अगर हम उसे ऐसे गोदी में उठा लेंगे ऐसे तो उसकी स्पाइनल को इंजरी पहुँच सकती है और ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है तो रोग रोल मेथड होता है एक चादर बिछाते हैं उस पर पे पेशेंट को रोल करके शिफ्ट करते हैं हम उसको बाजू से नहीं उठाते क्योंकि वी डोंट नो कि उसको स्पाइनल सर्जरी है या फिर उसे ऑब्जर्व करेंगे फॉर बाबल मूवमेंट एंड वॉइडिंग पैटर्नस देखेंगे उसके तो हम क्या करेंगे असेस करेंगे क्लाइंट के फीट फॉर सर्कुलेशन एंड सेंसेशन क्योंकि देखो वो स्पाइनल सर्जरी से आया है ठीक है अगर उसे सेंसेशन फुट पे फीट पे सेंसेशन फील नहीं हो रही सर्कुलेशन नहीं हो रही इट मींस स्पाइनल इंजरी हो गई है उसको ड्यूरिंग द सर्जरी ठीक है फ्लोइड के लिए तो नहीं कहना अभी उसको लॉग्रल मेथड हमने नहीं करना शिफ्ट के लिए क्योंकि अभी वो स्पाइनल सर्जरी से शिफ्ट हो चुका है उसके बाद उसके बावल मूवमेंट एंड वॉइडिंग पैटर्न नहीं देखना क्योंकि सर्जरी के बाद एनस्तीजिया का इफेक्ट एनस्तीजिया का इफेक्ट भी नहीं वो और पास करता रहेगा बावल मूवमेंट वो हमारी लास्ट की प्रायोरिटी है बावल और वॉइडिंग uh, मेथड देखना क्योंकि अगर वो नहीं भी होगा तो हम कर लेंगे बट अगर वहाँ पे सेंसेशन ही लोअस हो गई है तो इट मींस इंजरी हुई है स्पाइनल पे ठीक है ये सेंसेशन एंड सर्कुलेशन देखेंगे बावल मूवमेंट और अवॉइडिंग पैटर्न जो है हमारी वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है ठीक है अप्रोप्रिएट प्रायोरिटी नहीं है रोग लॉर पोजिशन हमें नहीं देनी क्योंकि पेशेंट को यहाँ पे नहीं लिखा क्वेश्चन में नहीं लिखा कि शिफ्ट करना है फ्लूड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ उसका ऑलरेडी फ्लूइड चल रहा होगा अगर वो सर्जरी पे चल रहा है तो ये अभी हमारी अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन नहीं है क्योंकि वो खुद से तो पिएगा नहीं ऑब्वियसली स्पाइनल सर्जरी हुई है उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बड़िंजगी साइन एंड कर्निक साइन आर डायग्नोज इन विच कंडीशन बड़िंजगी साइन और कर्निक साइन जो है किस कंडीशन में देखे जाते हैं सॉरी टेटनस में देखे जाते हैं मैनजाइटिस में देखे जाते हैं हेड इंजरी में देखे जाते हैं या फिर सीजर्स में देखे जाते हैं किस में देखे जाते हैं तो ब्रिंस साइन एंड कर्निक साइन किस कंडीशन में देखे जाते हैं हमारे मैन एनजाइटस में ठीक है और मैंने इसका एक और भी बताया था आपको नक्कल रिजिडिटी इज अर्ली साइन ऑफ द मैन एनजाइटस अगर आप चाहते हो मैन एनजाइटस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसकी ये साइंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद पिक्चर मैं आपको इलाबोरेट करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वेन केयरिंग अ पेशेंट एडमिटेड विद गुलरेंस सिंड्रोम विच नर्सिंग डायग्नोसिटी गुलिन बैरेंस सिड्रॉम एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है ठीक है अगर वो उसकी हम केयर कर रहे हैं तो क्या डायग्नोस की प्रियोरिटी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुलन बैरेंस सिंड्रोम होता क्या है ठीक है ये क्या है एक ऑटोम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है मसल वीकनेस होती है और हमेशा ये असेंडिंग ऑर्डर में मसल वीकनेस होगी ठीक है और मसल वीकनेस क्यों होती है क्योंकि जो नर्व्स होती हैं वो जो होती हैं डैमेज हो चुकी होती है नर्व डैमेज की वजह से मसल वीकनेस होती है सेंडिंग ऑर्डर में कैसे देखो पहले फीट से शुरू होगी फिर लिम्स पे जाएगी बावर मूवमेंट डायफेग्राम पे चले जाएगी उसके बाद ऐसे मसल वीक होती रहती है और गुलियन बैरन सिंड्रोम को तुम कैसे याद कर सकते हो देखो गुली डंडा खेलते थे ना गुली डंडा कैसे खेलते थे गुली को जब हम मारते थे डंडे से तो वो ऊपर को जाती थी तो ऊपर को जाते हुए आप ऐसे सोच सकते हो असेंडिंग ऑटोम्यून डिसऑर्डर इन विच मसल वीकनेस हैपन ड्यू टू द नर्व डैमेज तो इसका प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोस क्या रहेगा उसकी एंगजाइटी रिलीव करेंगे इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मेंटेन करेंगे इम्पेयर्ड इन गैस एक्सचेंज करेंगे या फिर इम्पेयर्ड मोबिलिटी फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोस प्रायोरिटी में क्या रहेगा बहुत इजी अगर आपने अभी ये समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा देखो नर्व डैमेज हुई है तो इट मीन्स एम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज उसको पहले हमने ऑलवेज एयरवे ब्रीदिंग पैटर्न और सर्कुलेशन पे जाना है तो एयरवे के लिए हमेशा एम्पेयर्ड गैस गैस एक्सचेंज होगा क्योंकि देखो डाइफे डाइफोग्राम की मे बी जो नर्व है वो क्या हो जाए डैमेज हो जाए और उससे डायफोग्राम जो है वो मसल वीकनेस में चले जाए तो जिससे क्या होगा लंग्स प्रॉपर्ली इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन नहीं करेंगे और वहाँ पे टोटली मतलब प्रॉपरली गैस एक्सचेंज नहीं होगा तो प्रायोरिटी में ऑलवेज क्या रहेगा हमारा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गुलिन बैरन सिंड्रोम भी अच्छा डिसऑर्डर है काफ़ी क्वेश्चन आता है इसमें से भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेन एडमिस्टिंग अ मेडिकेशन क्लाइंट स्टेटेड दैट ही इज़ नॉट रिमेंबरिंग दैट ही वॉज गेटिंग दिस मेडिकेशन बिफोर वॉट इज अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन एक पेशेंट को हम मेडिसिन लगा रहे हैं और क्लाइंट कह रहा है मुझे नहीं याद कि ये मेरे को मेडिकेशन लगती है पहले कि नहीं तो नर्सिंग का ऑप्शन मतलब नर्सिंग का प्रायोरिटी एक्शन अप्रोप्रिएट एक्शन क्या रहेगा क्या वह वही एडमिनिस्टर कर देगी मेडिसिन उसके सामने पेशेंट के सामने रिकॉर्ड करेगी क्लाइंट की स्टेटमेंट या फिर वेरीफाई करेगी मेडिसिन को दोबारा से ऑर्डर्स के हिसाब से और इन्फॉर्म करेगी फिजिशन को क्या करेगी वो तो नर्स क्या करेगी एक बार पेशेंट के सामने उस ऑर्डर को वेरीफाई कर लेगी क्योंकि कभी कभी होता है कि इतने सारे पेशेंट होते हैं भूल जाता है दैट इज़ इस्पॉन्सिबिलिटी बट एट द सेम टाइम वर्कलोड से भी कभी कभी हो जाता है तो एक बार फिर वो मेडिकेशन को अगेन से वेरीफाई कर लेगी ऑर्डर के हिसाब से पेशेंट के सामने ताकि जो पेशेंट है उसको भी ऐसा ना लगे कि पता नहीं गलत लगा रहे हैं और वो खुद भी श्योरिटी में दोबारा से आ जाए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वट इज अ कलर अकॉर्डिंग फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर अकॉर्डिंग क्या होता है ऑप्शन है हमारे पास ब्लैक ब्लैक विद वाइट शोल्डर्स ग्रे या फिर लाइट ब्लू तो कौन सा होता है ब्लैक विद वाइट शोल्डर का सिलेंडर जो होगा वो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा और ग्रे किस होगा कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोस ऑक्साइड का कौन सा होगा ब्लू कलर का ठीक है तो ये याद रखना ब्लैक विद वाइट शोल्डर्स इज अ ऑक्सीजन सिलेंडर ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑक्सीजन थेरेपी इज नॉट इंडिकेटेड इनमें से कौन सी कंडीशन में ऑक्सीजन थेरेपी हम नहीं देंगे ड्राउनिंग चेस्ट इंजरी पॉइजनिंग या फिर नॉर्मल uncomplicated लेबर किस कंडीशन में हम ऑक्सीजन थेरेपी नहीं देंगे तो हम किस में नहीं देंगे नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड लेबर में तो देने की जरूरत नहीं अब देखो ये ऐसा ऑप्शन इन्होंने दिया है कि ना चाहते हुए भी तुम्हारे पास एक ऐसा वर्ड आ रहा है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है दैट इज़ अनकॉम्प्लिकेटेड आद तो तो ऐसी तेजी तेजी में पढ़ देंगे नॉर्मल कॉम्प्लिकेटेड लेबर तो उनको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड इसमें तो देंगे देंगे फिर वो ऊपर वाले तीनों में फंस जाएंगे ठीक है तो नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड लेबर में ऑक्सीजन थेरेपी देने की नहीं नीड होती आई थिंक ये एम्स भोपाल में या फिर ऋषिकेश में आ रखा है ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड गिविंग एनजी ट्यूब फीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ठीक है जब हम एनजी ट्यूब निजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं तो इनमें से कौन सी नर्सिंग एक्शन जो है प्रिवेंट करेगी कॉम्प्लिकेशन को तो पहले एडवांस ट्यूब टू सेंटीमीटर हम टू सेंटीमीटर ट्यूब को और थोड़ा सा डाल देंगे या फिर फ्लश करेंगे उसे टू ट्वेंटी एम ऑफ एयर से या फिर उसे हाई फॉलोअर्स पोजिशन देंगे या फिर प्लग द एयर वेंट ड्यूरिंग द फीडिंग ताकि थोड़ी सी एयर डाल देंगे ड्यूरिंग द फीडिंग प्लग कर देंगे एयर को तो ऑलवेज़ हम क्या देंगे प्रोवाइड हाई फॉलोअर्स पोजिशन ऐसे करके पेशेंट को बिठाएंगे ताकि जो खाना है विदाउट एनी दिक्कत ठीक है रिगर्जिटेट ना हो ठीक है रिगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है बैक फ्लो ना वाले खाना आराम से एक मूवमेंट में नेगेटिव प्रेशर के थ्रू खाना नीचे चल जाए तो उसको हम प्रोवाइड द फॉलोअर पोजिशन प्रिवेंट करेगी कॉम्प्लिकेशन तो ऑलवेज दो क्वेश्चन होते हैं एनजी ट्यूब फीडिंग हम देते हैं हाई फॉलोअर्स पोजिशन पे फीडिंग ठीक है और अगर हम एनजी ट्यूब डाल रहे हैं तो किसमें देते हैं सिंपल लो फाउलर पोजीशन में एनजी ट्यूब डालते हैं ठीक है सो so, ये थे पार्ट टेन और आज हमने कर लिए अप्रॉक्सीमेटली टू फिफ्टी क्वेश्चन ठीक है और आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब टू तो माय चैनल मैं ऐसे ही क्वेश्चन डालती रहूंगी रोज़ ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव आई होप कि ये एम्स की जो आप सपना देख रहे हैं इस बार और एम्स तो अब दो साल साल में दो बार होना है तो बहुत हाई चांसेस है और अच्छी अच्छी तुम सीट्स ले सकते हो अगर तुम अच्छे से मेहनत करो चलो इस टाइम अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो गो फॉर द सितंबर वन वाले पे तो इस कंटेंट को पढ़ो और तुम्हें और कहीं से भी मिलता है वहाँ से भी पढ़ो बट एट द सेम टाइम तुम देखो कि तुम एम सी यू ज़्यादा सॉल्व करो क्योंकि टाइम कम रह गया है थ्योरी पे जाने का टाइम पहले था तो आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ वर्क हार्ड चिल्ड्रंस आई होप वॉट यू विल गेट वॉट यू एम फॉर थैंक यू